जानकार सूत्रों तो पता लगा है कि कल भैणियां लिदड़ दीआं दो लड़कियां पिंड ढिंग नंगल विखे होम्योपैथिक की दवाई लैण आईआं सन। जद उह दवाई लैके वापस अपने पिंड नूं जा रहीआं सन ते ढिंग नंगल सूए दे पुल उत्ते पहुंचीआं तां उसे ही पिंड दे लड़का जसमीत सिंह अते उसका बाप हरजिंदर सिंह उन्हां लड़कियां तों मोपट खोहण की कोशिश कर रहे सन। पिंड ढिंग नंगल दे ही व्यक्ति हरजिंदर सिंह उर्फ पप्पू नंबरदार उन्हें उन्हां नूं रोकण की कोशिश की, तां जसमीत सिंह ने हरजिंदर सिंह पप्पू नंबरदार उपर गोली चला दिती जो कि हरजिंदर सिंह की खब्बी छाती विच लगी अते मौके ते मौत हो गई। इस तों बाद दोषी जसमीत सिंह अते हरजिंदर सिंह दोवें लड़कियां दी एक्टिवा खो के मौके तो फरार हो गए। मिली जानकारी तो पता लगा है कि थाना मजीठा की पुलिस वल्लों जसमीत सिंह पुत्र हरजिंदर सिंह अते हरजिंदर सिंह पुत्र चन्नण सिंह वासियां ढिंग नंगल विरुद्ध कतल का मामला दर्ज करके दोषियों की भाल शुरू कर दिती गई है। जब लड़कियों के नाल गलबात करने की कोशिश की गई तो पहला लड़कियां टाल मटोल करती रही, तो फिर लड़कियों ने कैमरे मूहरे बोलिया कि उन्होंने मोपिट कतल करने तो बाद खोई गई है और उन्होंने सामने ही गोलियां मारिया गई हैं। जी बोलो थोड़ा की मामला की है? मामला कोई नहीं, लड़कियां आईया ही दवाई लैन साढ़े पिंड स्कूटी खोन लगी, इन्हें आखा भी ना करो ये काम वो हटे नहीं, इन्हें जो कुछ गोला ला उन्हें बोल दिया। किन्ने जने सी पता नहीं होना, ही तो दो जने तो होंगे, दो बंदों कट होंगे नहीं, फिर उस तो बाद वो तो पाल पापा जी गया स्कूटरी भी धो के ले गए, स्कूटरी होते गया फिर फोन खोया जा के उन्हें बोल दिया। तो तानू क्यों पता लगा? सानू फिर इत पिंड का साडा रिश्तेदार ही लगता, वह इत लगा जलालपुर, उन्हें फिर जो आया गुरुद्वारा तो प्रसाद दे रहा रेंगे उस बंबी पर भी रेंगे, वो प्रसाद दे के जो घर ही आया जो गोली चल रही मुर्गे वापस गया, उन्हें सानू जा दसा कि मांग की कर मन भी इंसान मिले वो देखो इतना फिर लगता भी बहुत ज़्यादा पहले भी जो इस तरह की घटनावान कर चुका बहुत कुछ थी और ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਟੇ ਰੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਰੱਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿੰਦਾ ਨਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਬੱਤੀ ਆ ਗਿਆ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ उन्होंने ब्रदर के जिहड़े बयानों के आधार पर एक परचा दर्ज किया गया 302 का कि कल कोई शाम वक्त करीब 7:30 इन्हों किसी मतलब कि ज पिंड के रहने वाले नौजवान जसमीत सिंह वालों जो गोली मारी गई सी, तो उस तो बाद इन्हों जो वा ब्राउन डेड डिकलेयर कर दिता होस्पिटल वाला वालों, तो इन की जी बाद डैथ हो गई। तो सर की मामला मामला जो प्राइमा फेस है अजय जस्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब के नाल जो सानू इन्हें मदई के बयान के हिसाब के नाल यही है कि कोई लड़कियों तो कोई जी एक्टिवा जी खोन करके जो कलैश जरा वा इन्ना बढ़ गया। तो सर पर एक लड़की भी सामने आई, उन्हें अपने बयान कहा कि जो उ पहुँचती आ तो गोली बजी सी। देखो जी जोड़ी भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिदा का इदा तत्थ सामने आते जाएंगे अं उस हिसाब ना जी भी बनती कार्रवाई वो करते रहेंगे, ये बारे पूरी डूंगाई न तफ्तीश की जा रही है, जो भी असली जो एक्चुअल फैक्ट होने वो हिसाब के कार्रवाई कर दी जाएगी। तो सर एक कि धारा लाई जी तो जो गोली मारने वाला बंदा गिरफ्तार होया कि जाती है? ये जी आप अंडर सैक्शन 302 379(b)(2) तो 134 के आर्म्स एक्ट का जोड़ा वा धारा के तहत ये खिलाफ़ FIR जी PS मजीठा के उ रजिस्टर की गई है, दोषी जोड़ा वा जसमीत सिंह वो मतलब कि वो गिरफ्तारी लिए छापेमारी की जा रही है। ये फादर जोड़ा वा हरजिंदर सिंह वह भी मतलब कि दसया जा रहा जी। जस्ट 2 FIR ऑलरेडी पहला रजिस्टर्ड एक सन 2007 एक 2012 के एक जो मुकदमा ये अगेंस्ट NDPS एक्ट का, एक जोड़ा वा 307 का मुकदमा जो दोषी के पहला थोड़ी ये दो अगेंस्ट जो पहले मुकदमे दर्ज है। अगली कार्रवाई सब तो पहला तो देखो जी दोषियों की जी गिरफ्तारी लिए सब तो पहला छापेमारी की जा रही है। मेरा नाम भुपिंदर मामला कोई नहीं, मैं काम तो आता पाया चाचा इतने खलोता है, तो कुड़ी दवाइया लैके पिंडों निकलियाँ तो उन्हें स्कूटरी खोह की कोशिश की, चाचे ने डकिया
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਗੋਲੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ। ਹਾਂ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਦਾ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਖਿਲਾਰੀ ਆ, ਸਕੂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ? ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਵੋਲਵਰ ਰੱਖੀ ਆ ਕੰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕੂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਰਿਵੋਲਵਰ, ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਥੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਕੂਟਰੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖੋਣ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਆ, ਹੀ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇਹੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੁਣਛਾਣ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਖੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਗੋਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਕਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਰਿਵੋਲਵਰ ਰੱਖਤੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ। ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ।